Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishmin. So today, after doing exercise 4.2, we are with next topic, that is quadratic formula. Right? बच्चे हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस फॉर्मूले के थ्रू गो थ्रू हो जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिकॉज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये यूज होगा आपका इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली. राइट, सो एज यू नो फैक्टराइजेशन हमने अर्लियर वीडियो में कर लिया है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है एंड द थर्ड वन फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, तो पहले मैं आपको ये अच्छे से समझा देती हूँ. प्लीज बी अटेंटिव व्हाइल आई एम डूइंग दिस. योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यू ऑलरेडी नो दिस, राइट? आपको पता ही है यहाँ पर ए आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज दिस एंड सी दिस. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा मेन क्या होता है, जहाँ पर हम x निकालते हैं, दैट इज बाय दिस फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए. राइट, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. राइट, अब यहाँ पे आपको b पता है, b इज व्हाट, कोफिशियंट ऑफ x. राइट, आपको a भी पता है, a इज कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, बट यू डोंट नो वट इज डी. राइट, डी का आपको आइडिया भी नहीं होगा अभी तक कि डी यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है. सो डी इज बेसिकली वट बचे, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट. राइट, बट डी को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, डी का भी एक फॉर्मूला है. यहाँ पर डी को शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, बट जब पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, देन आपको उस डी की टर्म इस फॉर्मूले में लिखनी है. ओके, सो योर डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. राइट, पहले आप डी निकालेंगे. कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगी, अगर आपको बोला जाए कि उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, सबसे पहले आपको उसके कोफिशियंट्स देखने हैं एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट डी, क्योंकि डी जब आपके पास होगा तभी आप उसको फॉर्मूले में डालोगे. ओके, नाउ हियर डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. यू ऑलरेडी नो विद ऑल दिस थिंग्स, बी इज व्हाट, योर कोफिशियंट ऑफ एक्स, ए इज हियर योर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज योर न्यूमेरिकल टर्म. राइट, नाउ कमिंग बैक, लाइक आफ्टर फाइंडिंग डी व्हाट विल यू डू, यू विल पुट वैल्यू ऑफ डी बैक इन दैट फॉर्मूला एंड यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ x. राइट, ये आपका फॉर्मूला है बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बट आपको क्वेश्चन और तरीके से भी आता है, d को आप कहां पर यूज कर सकते हैं. यूजिंग ओनली d, जहां पर आपको ये फॉर्मूला नहीं करना है, बस आप d को यूज करके यू वी कैन ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. राइट, बेसिकली इस एक्सरसाइज से बच्चे आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो ये आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आपको आ जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो आपको तभी भी डी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको एक्स में लिखना पड़ेगा. राइट, और अगर नेचर ऑफ रूट्स आ जाए तो जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डी. बाय चांस आपने एक इक्वेशन में से डी फाइंड आउट कर लिया, ओके, डी की वैल्यू आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, ये तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है. क्या, इफ डी इज लेस देन जीरो, डी की तीन तरीके की वैल्यू आएंगी, या तो डी जीरो से लेस होगा, या डी इक्वल्स टू जीरो होगा, या डी ग्रेटर देन जीरो होगा. फाइन, अगर डी लेस देन जीरो आ जाए, बाय चांस आपकी डी की वैल्यू लेस देन जीरो क्या होगा, यानी नेगेटिव नंबर, माइनस टेन माइनस ट्वेल्व लाइक दिस, तो जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ एक्स, और यू कैन से नो रियल रूट्स. नेचर पूछा जाएगा ना, यू विल से नो रियल रूट्स इस केस में.
फर्स्ट में. फाइन, अगर आपके डी इक्वल्स टू जीरो आ जाए, मतलब यहाँ पे फाइंड आउट करते हुए ही आपका डी जीरो आ जाए, देयर विल बी टू इक्वल रियल रूट्स. ओके, मतलब आपकी दो जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो सेम होगी, लाइक 12 12 सेम वैल्यू आएंगी. व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर आपका डी जीरो से ग्रेटर आ जाए, लाइक इट्स 1, इट कुड बी 120, इट कुड बी 180, एनीथिंग. ओके, मतलब जीरो से सिर्फ बड़ा होना चाहिए, उस केस में आपकी रूट्स कैसी होंगी? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. फाइन, मीन्स यू विल गेट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, लाइक वन कुड बी लाइक 13 एंड अदर वन इज 85. तो जब आप यहाँ पर होंगे आपको एक आइडिया खुद से मिल जाएगा. अगर आपका डी नेगेटिव आ रहा है वहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर दो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ही नहीं, देर विल बी नो रियल रूट्स. अगर आपका डी जीरो आ रहा है, जब आप इस फॉर्मूले में डालेंगे आपको एक आइडिया ऑलरेडी मिल रहा होगा कि आपकी एक्स सेम आएंगे दो वैल्यूज. इफ डी इज मोर देन जीरो देन देर विल बी टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स. सो दिस इज द बेसिक थिंग, फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स and the formula, how we can use the quadratic formula. Right? Now, after this video, we are going to start with exercise 4.3. अब आपके लिए 4.3 बहुत easy हो जाएगी. Okay? क्योंकि you are already acquainted with this formula. Right? Thank you.